कहाँ थे? वो आइसोमेरिज्म ख़त्म किया ना, अभी आइसोमेरिज्म में एक और होती है दो, उसमें एक होते हैं मेटामर्स, अरे मैनोमर्स है ना, मैनोमर्स, और एक आता है उसमें एनोमर्स, ये दो आते हैं मैनोमर्स एनोमर्स, और एक आता है एपीमर्स है ना, ऐसा आता है एपीमर्स। अभी ये तीन है ना, आपको कोई ज़रूरत है नहीं तो अभी नहीं करवा रहा हूँ, ये सब बाद में देख लेना आप। इसके ऑलरेडी है मेरे वीडियो फेसबुक में, आप चाहे तो देख सकते हो और ना चाहे तो नहीं देखने के। बाकी इन सब टॉपिक की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, नैनोमर्स एनोमर्स एपीमर्स इनकी ज़रूरत अभी है नहीं आपको, है ना, तो वो टॉपिक अभी नहीं करेंगे हम। तो हमारा क्या क्या ख़त्म हो गया इस चैप्टर में वो बात करते हैं। तो हमने पहले है ना चैप्टर में स्टार्टिंग से क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, आपको याद हो तो, है ना, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण ऐसा एक टॉपिक चलाया था, है ना, वो एलाइलिक बेंजाइलिक वो पूरा किया था। चलो आप मेरे को पहचान के बताना कि ये किस टाइप का कंपाउंड है ना। चलो CH2 और यहाँ पे Br, चलो एक ऐसा कंपाउंड है बताओ, ताकि आपको याद है कि नहीं आपने क्या किया चैप्टर में पता चले। पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, चलो ये किस टाइप का कंपाउंड है, इधर Cl इधर Cl, चलो बताओ ये किस टाइप का कंपाउंड है, CH2 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 Cl Cl, बताओ। मोनो है वो तो पता है ना, ऐसा मोनो डाय ऐसा नहीं बताना है, प्रॉपर टाइप बतानी है, मतलब इस कंपाउंड की प्रॉपर टाइप बताओ और बाकी जो दो है इनकी प्रॉपर टाइप बताओ, ये वाला और ये वाला, ताकि पता तो चले कि खाली मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ कि हम सब पढ़ रहे हैं। कई बार कैसा होता है कि हम अकेले ही पढ़ते हैं पूरा सिलेबस, आप तक पहुँचता ही नहीं है। चलिए फर्स्ट वाला, ये सेकेंड और ये थर्ड बताओ, बाकी आगे स्टार्ट नहीं होगा कुछ। कोई आंसर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, क्या बात है। थर्ड वाला विसिनल, वन वाला में जेमिनल ऐसा कुछ तो था, कुछ तो था मतलब है, वो अर्सिल हंस रहा है आपके मैसेज देख के, कुछ तो था मतलब क्या, जेमिनल नहीं है, कहाँ गए वो सब बाकी के टॉपर सबने, प्रवीण बोलो भाई, सिद्धार्थ क्या है ये? ओहो, बेंजाइलिक हैलाइड है, सही है, ये वाला बेंजाइलिक है। देखो ये हेलोजन जिसके साथ है वो कार्बन sp3, और उसके पास वाला कार्बन sp2, और ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। बस खाली ऐसे ही कुछ पढ़ना नहीं है अच्छे से। चलो अब ये वाला कौन सा है बताओ, ये विसिनल है,
क्या है? विसिनल डाहेलाइड। तो अभी नाम तो पूछे ही नहीं इसको, इसके है ना नाम तो पूछने चाहिए ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड का टाइप पता नहीं है तो नाम कहाँ से पता होंगे, है ना। ये विसिनल डाहेलाइड है। चलो ये वाला कौन सा है? तो फिर आगे ले जाने का मतलब क्या है चैप्टर को? इतना ही रखो। क्यों भाई आंसर नहीं आ रहे किसी के? ये कौन सी टाइप है? हाय, इतनी गंदी पढ़ाई। इस टाइप को बोलते हैं अल्फा ओमेगा। क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा, या इसका नाम है पोली मिथिलीन। क्या नाम है? पोली मिथिलीन, है ना। इसको पोली मिथिलीन डायलाइट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये पोली मिथिलीन डायलाइड था, समझ रहे हो कि जा रहा है सब ऊपर से। चलो कोई नहीं, अभी है ना ये वाला बताना क्या है। कुछ नॉट्स वॉट्स बनाई होती, अंदर से कुछ लिखा होता तो कुछ पता होता हमको, तो क्या है? आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे, जॉक्स सुनेंगे, बस खत्म। गुजराती मीडियम वालों शर्म करो, PDF भेजी है मैंने पूरी, पूरी PDF भेजी है 78 पेज की, उसमें से कुछ तो देखना था। इंग्लिश मीडियम वालों आपको भी भेजी है PDF। बताओ ये क्या है? अरे मोनो एलाइड है वो तो मुझे भी दिख रहा है, टाइप कौन सी है इसकी? कौन सी टाइप में जाएगा वो बताओ। मानसी, आपसे तो मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी, आपसे तो अच्छा सोच रहा था कि भैया आप तो कर रहे होंगे, बाकी इन बर्दियों का तो पता ही था मेरे को कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये खाली बातें करेंगे सब मिलके बड़ी बड़ी। बाकी पता कुछ नहीं होगा इनको। एलाइलिक, ओ हो, ये है ना स्पेशल टाइप बताया था मैंने। हाँ ये SP3 और ये SP, इसको बोलते हैं प्रोपागाइराइल। क्या बोलते हैं? प्रोपागाइराइल, वेरी गुड। चलो एक आदमी तो पढ़ रहा है पूरे क्लास में, जान के अच्छा लगा, खुशी हुई मेरे को, एक बच्चा पढ़ रहा है अपना। ये प्रोपागाइराइल होता है, क्या होता है? प्रोपागाइराइल। चलो अभी है ना इसके बारे में बताना ये कंपाउंड क्या है। चलो इधर ब्रोमीन है ना, बताओ अभी ये क्या है, इसकी टाइप बताओ। अभी लिखेंगे मोनो एलाइड, जब भी मैंने कैसे सुना ही ना हो कि ये मोनो एलाइड है। इसके अलावा लिखना और कुछ मोनो एलाइड के अलावा? ईयरफोन यूज़ करो बेटा, ईयरफोन सब लोग, है ना राजेश, ऐसे तो कुछ सुनेगा नहीं, वो पूरा आवाज़ ही आएगा आजू बाजू से। विनाइलिक एलाइड है, बोलो। मेरे को आज पता चला कि ये विनाइलिक एलाइड है। क्या कर रहे हो यार, आज लगता है आपने पी ली है सबने।
है, क्या पढ़ा है वो तो पता होना चाहिए ना। आज रिवीजन डे है ना, खाली बातें होंगी हमारी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जब तक आगे का कंप्लीट नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। सब पता ही होना चाहिए, ये रूल लिख लो अपना कि जितना पढ़ा है ना सब पता होना चाहिए, बाकी आगे नहीं चलेगा कुछ भी, बंद कर देंगे। ओहो, नया आया, अरे नाल, नए कंपाउंड की डिस्कवरी हुई। एरिन, ये एरिन नहीं है, ये एरिन नहीं है। एक बात बोलूँ, ये विनाइल ही है, बाकी मैं खाली चेक कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। देखो जी, ये ब्रोमीन है, इसके पास ये कार्बन है ना। ये वाला कैसा है, sp2, और इसके पास वाला भी कैसा है, sp2। अभी हैलोजन के पास वाला कार्बन sp2, उसके पास भी sp2, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल। अगर इस तरफ देखेंगे तो sp3 है, और sp2 sp3 उसको कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब वो टाइप में आता ही नहीं। हमारे टाइप में आता है sp2 sp2, उसको क्या बोलते, विनाइल। सिद्धार्थ का सही था है ना, लेकिन वो खाली देख रहा हूँ मैं है ना कि क्या है आपके पास, कितना कॉन्फिडेंस है। अच्छा नहीं लगा मेरे को, मतलब आप इतने अभी कुछ काम ऑन कर रहे नहीं हो, खाली ऐसे ही हो बस, स्कूल पे मतलब इंजाम लगा रहे हो। तो मेरे फिजिक्स चालू नहीं हुआ है ना, मेरे बायोलॉजी चालू नहीं हुआ है, केमिस्ट्री चालू है क्या, उखाड़ लिया, कुछ पता तो है नहीं। चल, और फिजिक्स चालू करवाना है। देखो अभी ये कौन सा है, ये एराइल है, ये क्या है, एराइल, मतलब ये जो है वो sp2 है, और उसके पास भी sp2 है, और ये पूरा बेंजीन रिंग है, समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं एराइल, क्या बोलते हैं, एराइल। और जो अगले वाला था ना, उसमें बेंजीन रिंग नहीं था, तो उसको एराइल नहीं बोल सकते, उसको विनाइल ही बोलना पड़ता है। बेंजीन रिंग कब होता है, तीन बॉन्ड होते हैं, मैंने दो ही बनाए थे। देखो ये रे, दो ही थे, चल है ना। तो ये क्लासिफिकेशन की बातें हो रही थी, चलो अभी नाम करके दिखाओ, कॉमन नेम, तब पता चलेगा। नाम तो करवाए थे ना मैंने, कॉमन नेम तो। हाँ चलो, अभी CH3 CH CH3 CH BR BR, चलो इसका कॉमन नेम बताओ और IUPAC भी बताओ, दोनों बताओ, तब खबर पड़े तो क्या सही है क्या नहीं है, या फिर ऐसे ही चल रहा है सब, पोलम पोल, मतलब गांधीनगर जैसा ही चल रहा है। मेरे को तो अभी वही लग रहा है, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स था और यहाँ पे बिना मैकडोनल्ड्स ही सब बिगड़ रहा है काम। ऐसा काम है ना भाई, तो मैं नहीं आऊँगा 12th में पढ़ाने, एक क्रैश कोर्स करवा के निकल जाऊँगा, ये ध्यान रखना। मेरे को अच्छे स्टूडेंट पढ़ाने से मतलब है। अगर आपका काम सुधरा नहीं ना एक दो दिन में, तो करो फिर केमिस्ट्री, हम नहीं करवाने वाले। ऐसे आलसी बच्चों को कौन करवाए। हाँ,
सब सही जा रहे हैं। देखो ये आईएसओ है, क्या है आईएसओ, देखो इसको वन देंगे क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट, ये बन गया अपना सेकंड लास्ट और इस पर दो मिथाइल, तो आईएसओ होगा। और ऐसे देखें तो ये जैमिनल है, क्या है जैमिनल, समझे। तो जैमिनल में क्या होता है कि एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होते हैं, और मैंने बोला था जैमिनल में क्या लगेगा, लिडीन है ना, तो ये बनेगा आइसो ब्यूटी लिडीन ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटी लिडीन ब्रोमाइड। और मैंने ऐसा बोला था कि इसमें डाई नहीं लिखना होता है ना, जैमिनल में हम कभी भी डाई नहीं लिखते हैं, याद है ना, विसिनल हो तो डाई लिखना पड़ता है। चलो अब इसका नाम बताओ, CH2 BR और BR, जितना भी पढ़ा है सब पता होना चाहिए, बाकी आगे नहीं जाता मैं क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आगे का पता नहीं है, तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करके मतलब क्या है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एंजॉय करने की मना नहीं है मेरी, आप एंजॉय करो, लेकिन अपना जो प्राइमरी वर्क है ना वो ये है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर तो आप मेरा भी नाम डुबाओगे साथ साथ। ये है टेट्रामिथिलीन ब्रोमाइड, विपुल अकेला ही पढ़ा है क्या, बाकी के लोगों ने पढ़ा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं क्या लेक्चर, वेरी गुड डियर, है ना, ये मस्त आंसर दे रहा है अच्छे से, सही है इसका आंसर, ये अल्फा ओमेगा है, क्या है ये अल्फा ओमेगा, है ना, ये अल्फा ओमेगा है, तो इसको मिथिलीन बोलना है, इसको मिथिलीन, इसको मिथिलीन, इसको मिथिलीन, चार बार मिथिलीन, तो ये होगा टेट्रा मिथिलीन, है ना, और इसको लिखेंगे ब्रोमाइड, समझ गए ना, टेट्रा मिथिलीन ब्रोमाइड। चलो अभी इसका कॉमन नंबर बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH BR, कॉमन नेम बताओ इसका, सब पढ़ाया हुआ है। वारे बुक लेके आ गए, चलो इसका है विनाइल ब्रोमाइड, वेरी गुड, ये ना दो कार्बन है, टू कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं विनाइल, पता है ना, और थ्री कार्बन प्लस डबल बॉन्ड हो तो, और फोर कार्बन प्लस डबल बॉन्ड हो तो, वो दिखाया था ना मैंने, चलो थ्री कार्बन डबल बॉन्ड और फोर कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताओ। बाकी के लोगों ने लेक्चर नहीं देखे, सब पता चलता है यहाँ पे, मैंने सब लेक्चर की लिंक भेजी आपको, एक से लेके 16 तक, अगर आपने आगे के लेक्चर देखे तो ये प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। हाँ थ्री वाला एक्राइल है, सही है धर्मवीर, चलो फोर वाला, फोर कार्बन डबल बॉन्ड, वाह वाह राजवीर क्या बात है यार, अब की बार तो सही दिया आंसर, इस बार कोई मतलब चीटिंग नहीं लग रही। इसको क्रोटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रोटाइल, इसको बोलते हैं अक्राइल। हाँ सही में यार राजवीर तो मेरे को भी होशियार लगा, मैं ऐसा सोच रहा था ये पढ़ने वाला नहीं है, बाकी पढ़ रहा है ये तो बंदा, है ना।
इसका नाम होता है क्रोटाइल क्लोराइड। क्या होता है? क्रोटाइल क्लोराइड। ये चार कार्बन और ये क्लोरीन। और वो किरण और प्रवीण कहाँ है? कोई आंसर ही नहीं है उनके, हैं? वैसे तो बादशाह बने घूमते हैं पूरे क्लास के। चलो, तो ये होता है क्रोटाइल क्लोराइड, है ना? तो ये ध्यान रखना, क्रोटाइल क्लोराइड। वो मेरे को लगता है पानी लेने गए धानेरा के लिए दोनों मिलके। ये रहा, किरण तो है, प्रवीण किधर है? चलो ओके, चलो जब तक नाम नहीं आएंगे ना सबसे अच्छे, तब तक काम नहीं आगे बढ़ेगा, ध्यान रखना। हाँ, वो ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि ऑनलाइन आ जाते हैं फिर क्लास में हाजिर रहते नहीं है और लूडो ही खेलते हैं। चलो CH2Br, चलो इसका कॉमन नेम बताओ। और ये दूसरा है मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन, चलो इन दोनों का कॉमन नेम बताओ, ये ए और ये बी। आज आगे जाना ही नहीं अपने को, पहले ये सब बताओ मेरे को। अगर मेरे को लगेगा ना काम हुआ है तो कल से स्टार्ट करेंगे आगे। बाकी जय माता जी, बुला लेना आप फिर से सोनी सर को ही, वही करवाएंगे सब। क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ाता ऐसे बच्चों को। क्योंकि चलो जो नहीं पढ़ाया वो तो आपके पास बहाना है कि भाई हमने नहीं पढ़े थे, ऐसा था वैसा था, ये तो सब पढ़ा है फिर भी नहीं आ रहा है। ओहो, एराइल क्लोराइड, पहली बार सुना नाम। इतना जो होता है ना इसको बेंजाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो ये बनेगा बेंजाइल और ये वाले को ब्रोमीन। तो ये होता है बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या होता है? बेंजाइल ब्रोमाइड। और ये जो होता है ना इतना, ये C6H5 होता है, इसको फिनाइल बोलते। क्या बोलते हैं? फिनाइल, फिनाइल क्लोराइड। ये क्या होगा? फिनाइल क्लोराइड, इसका नाम है फिनाइल क्लोराइड। एक भी नाम सही नहीं है, बेंजाइल लिक ब्रोमाइड नहीं है। अरे एराइल तो टाइप है उसकी, एराइल तो एनो प्रकार है। मैं एनु कॉमन नेम पूछू है अने मैंने वो भणायू छे कि अगर रिंग है तो रिंग के ऊपर खाली ऐसे है तो इसको फिनाइल बोलते हैं कॉमन नेम में। और अगर रिंग है और उसके ऊपर CH2 है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं। और रिंग है और उसके ऊपर CH है तो उसको बेंजाल बोलते हैं। और रिंग के ऊपर ओनली C है ना और कुछ नहीं है तो उसको बेंजो बोलते हैं। ये नहीं पढ़ाया क्या है? हाँ, तो फिर तो उतने को फिनाइल बोला, क्लोरीन को क्लोराइड बोला, CH2 को बेंजाइल बोला, क्लोरीन को क्लोराइड बोला, तो फिर क्या है? चलो कुछ नहीं होगा आपका, चाहे आप है ना फिजिक्स वाला है ना जो अलग पांडे, उनसे भी उनको बुला के भी पढ़ लेंगे ना आप, कुछ नहीं होने वाला, समझ गए ना? पढ़ना ही नहीं है आपको, कुछ करना ही नहीं, बस बातें करनी है बड़ी बड़ी, ऐसे बॉम्ब फोड़ने। चलो और कुछ नहीं करना। चल अब कॉमन नेम बताना, ये कंपाउंड है इसका, बुरा लग रहा है ना? सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। चलो
अभी आए है ना साहब ज्यादा, देखते कैसे आंसर देते हैं। चलो सी एच टू सी एल, सी एच सी एच थ्री, सी एच टू सी एच थ्री। चलो इसका कॉमन नेम बताओ। इसका कॉमन नेम बताओ। अभी है ना, अब से आप लोग कल से जो मैं पढ़ाऊँ ना, नोट और पेन साथ में लेके बैठने का। जैसे मेरी शादी में आए ना, बस वैसे आ जाएंगे तैयार हो के ऐसे बस, और देखेंगे कि हाँ दूल्हा कैसा बोल रहा है, नाच रहा है। मैं सोचूँ यार अच्छा पढ़ रहे, अच्छा पढ़ रहे, अच्छा आ रहा होगा, मतलब रिवीजन तो करना ही नहीं है। बेचारों को काम कितना है, बहुत काम होता है ना बेचारों के पास, पूरा दिन फिजिक्स करना है, बायो करना है, कब करे केमिस्ट्री। उसमें हमने तो संडे का हॉलीडे दिया नहीं है, मतलब एक साथ पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। एक सिंपल सिंपल टॉपिक करवाता हूँ मैं आपको एक दिन में, उससे आगे नहीं जाता जानबूझ के, कि फट ना जाए चड्डी। ओहो, पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, कुछ नहीं होगा। और ऐसे चले ना तो मार्च में, तो क्या अगले मार्च में एग्ज़ाम आई ना, फिर भी आपको 33 लाने में प्रॉब्लम होगी, लिख देना। वो नोट्स दिखा रहे हैं मेरे को अभी, मेरे को क्या करना है नोट्स देख के, मेरे को तो आंसर चाहिए। गलत है हेत, वो आइसो है ही नहीं। मैं देखा आपका आंसर, पेंटाइल वन क्लोराइड गलत है, वो पेंटाइल है ही नहीं। मैं कॉमन नेम पूछ रहा हूँ, गलत है आपका भी हेत। देखो अभी इसका आंसर आएगा, कॉमन नेम नहीं है इसका, दिस कंपाउंड हैविंग नो कॉमन नेम। हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता, मैंने पहले ही बोला था कि कॉमन नेम होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, हर किसी का कॉमन नेम नहीं होता, समझ गए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ही नहीं, ये आइसो है ही नहीं, बॉन्ड इधर है, तो ये फर्स्ट होगा, ये लास्ट होगा, तो सेकंड लास्ट तो ये होगा। अभी दिखाओ मेरे को कहाँ दो मिथाइल है सेकंड लास्ट पे, दिख रहे सेकंड लास्ट पे दो मिथाइल मिले किसी को, ये मिथाइल, और ये तो पूरा अलग ग्रुप है। सेकंड लास्ट पे दो मिथाइल है ही नहीं, मतलब ये कंपाउंड आइसो तो नहीं है। नॉर्मल कब होता, जब स्ट्रेट चेन होती, यहाँ तो ब्रांच है, इसका मतलब ये नॉर्मल भी नहीं है। सेकेंडरी कब होता, जब बॉन्ड वाले कार्बन के पास दो कार्बन होते हैं, यहाँ पे क्या बॉन्ड वाले कार्बन के पास तो एक ही कार्बन है, दो है ही नहीं। टर्सरी कब होता, जिसके पास बॉन्ड है उस कार्बन के पास तीन कार्बन होते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब इस कंपाउंड का कॉमन नेम ही नहीं है। और आगे मुंह उठा के आइसर पेंटेन न्यू, चलो छोड़ो और क्या। चलो अभी दे रहा हूँ एक और, CH3, CH2, CH3। चलो अभी इसका तो बताओ कॉमन नेम। और एक दूसरा है CH2, BR, BR। चलो इन दोनों के बताओ कॉमन नेम।
ये ए है और ये बी है ना। पहले है ना अभी क्लासिफिकेशन का देखा, अभी नॉमेनक्लेचर का बोलो, फिर आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन दूंगा। जब तक मेरे को लगेगा नहीं ना कि काम नहीं हुआ, तब तक चैप्टर आगे नहीं चलेगा। और कल मेरे को ऐसा लगा ना कि काम नहीं हुआ, फिर परसों से लेक्चर ख़त्म, मैं नहीं स्टार्ट करूँगा। मैं थोड़ी ऐसे खाली फ्री बैठा हूँ कि बस आके लवारी करूँ। अगर आप काम नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा। मेरे को बेटा इसका है ना कॉमन नेम चाहिए। जब पढ़ा रहे तब तो सबको सब आ रहा है, नियो है। अरे यार ये नियो कंपाउंड है। सेकेंडरी है बोलो, शाहिन साहब बोल रहे हैं ये सेकेंडरी है, क्या करेंगे। मानसी आप बोल रहे थे मैंने अगले वीडियो देखे, फिर क्यों ऐसे हवा हवाई हो गए आप? एक भी आंसर नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, और मैं तो आपको अच्छा स्टूडेंट समझता हूँ, है फिर ऐसा क्यों है? बोल रहे हैं ना हमारे क्लास में तो सब टॉपर है, वो कहाँ गए सब? इंग्लिश मीडियम वाला कोई बता रहा था मेरे को, सर हमारे क्लास में तो टॉपर ज़्यादा है, वो कहाँ गए सब टॉपर? खो गए क्या? अभी वो प्रिंस होता ना पाटिल, सब आंसर दे देता एक साथ, उसको टॉपर बोलते हैं। एक भी आंसर सही नहीं जा रहा है, फिर भी हमारे क्लास में सब टॉपर है। चल ये है ना जेमिनल है, क्या है जेमिनल, ध्यान रखना। बस खाली जॉक सुनने है, हंसना है, पढ़ना नहीं है। चलो जेमिनल, अभी जेमिनल में क्या लगता है? लिडीन लगता है। क्या सफिक्स आएगा? लिडीन। हाँ और गुजराती में भी लिखा था मैंने लिडीन। हाँ तो ये चार का है ब्यूट, इसका बनेगा ब्यूटी लिडीन। क्या बनेगा? ब्यूटी लिडीन है ना, ब्यूटी लिडीन। और देख लेना अगले वीडियो, ब्यूटी लिडीन ब्रोमाइड ये नाम होगा इसका, ब्यूटी लिडीन ब्रोमाइड। और ये कंपाउंड है ना ये एक्सेप्शन था, और मैंने इसके लिए ऐसे बनाया था, बोला था कि ये जेमिनल है लेकिन इसका नाम विसिनल पैटर्न से होता है, और इसका नाम क्या है? मिथिलीन ब्रोमाइड है। क्या है? मिथिलीन ब्रोमाइड। इसको लिडीन नहीं बोलते, ये एक्सेप्शन है विपुल, वही समझाया था, फिर भी लिडीन। ये एक्सेप्शन है, ये जेमिनल है, फिर भी इसका नाम विसिनल से होता है। चलो अभी आप है ना कुछ भी नोट डाउन मत करना गलती से, क्योंकि आप तो सब क्या है विवेकानंद के है ना छोटे भाई हो, तो आप तो खाली एक बार देखेंगे सब मेमोराइज हो जाएगा, फिर लिखने की क्या ज़रूरत है आपको। और कुछ तो सीवी रामन के भतीजे हैं, बस वो भी ऐसे देखेंगे सब कुछ आ जाएगा। ओह नोट्स दिखा रहे बापू, हमको नोट्स दिखा रहे। मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो आंसर से मतलब है, नोट्स दिखाओ मत दिखाओ, आंसर सही होने चाहिए। चलो ओके, अभी इसका कॉमन नेम बताओ। ये सी एल है और इधर सी एल है, बताओ इसका कॉमन नेम। हो गई ना आज कॉमेडी अच्छी, रोज आए थे हंसने, फंस गए ना आज। बोल ऐसे सोचा होगा जाके, हैं करेंगे फिर से।
करता हूँ कॉमन में, ऐसा तो हमने कहाँ पढ़ा है, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा कंपाउंड, कहाँ से बताए। 11th में हमने कुछ किया नहीं है और 12th में हम कुछ करने वाले नहीं हैं, फिर भी हमको 100 out of 100 चाहिए। ये मेटा है, क्या है ये? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें है ना ऑर्थो मेटा पैरा होता है कॉमन नेम में, आ गए कॉमन नेम करने, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा होता है, ध्यान रखना कॉमन नेम में। और IUPAC इसका होता है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। फिनाइल नहीं आएगा, फिनाइल नहीं आएगा, फिनाइल इसको बोलते हैं। अगर एक ही बार सब्स्टिट्यूशन है तो फिनाइल, इसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ से और यहाँ से, तो ये मेटा पोजीशन बनती है। इससे सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है 1 or 2 पोजीशन पे तो ये ऑर्थो बनती है, और 1 or यहाँ पे अभी देखना, ऐसा पूछे कोई बार विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। Which compound is optically active? चलो which compound is optically active? ऑप्शन दिए, चलो PCD 2-methyl-pentan। Which compound is optically active? दो आंसर है, 2-methyl-pentan, 2-methyl-butan है ना, फिर 3-methyl-hexan। चलो और दिया 2-methyl-propan 2-ol, और फिर ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। चलो बता विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, बता। कुछ लोग तो इतने है ना होनार होंगे अपने पास, फॉर्मूला ही बनाना नहीं आएगा, ये लिखा क्या है कर। और है ना मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग मेरे को रीज़न बताओ क्यों नहीं आ रहा है सब। मैं जिसको बोलूँ ना वो अनम्यूट होके मेरे को रीज़न बताएगा। चलो किरण, क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों नहीं आया सब बोलो। किरण बोलो, चलो अनम्यूट हो सकते हो, मैंने अलाउ किया। चलो जयेश बताओ क्यों इतना रॉन्ग जा रहा है सब, बोलो भाई कुछ आंसर तो देना पड़ेगा। इतना काम किया है हमने, इतने लेक्चर लिए, जो लेक्चर बाकी थे वो मैंने आपको भेजे, एक एक चीज़ पे काम किया है, आपकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करवाई है, फिर क्यों क्यों नहीं हुआ काम? रिवीजन के लिए आपके पास ऑप्शन था कि आप लेक्चर को रिवाइज कर दो, PDF भेजिए, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? बोलो जयेश, लो बोलेंगे नहीं अब, वैसे तो बहुत बोलते हैं सब। प्रवीण
बोलो चलो, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आंसर नहीं जा रहा है सही? तो रिवीजन क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला क्या? खेत में जाते हो क्या पूरा दिन? हैं वो मूंगफली मूंगफली निकालने तो, कि घर वाले और कुछ काम करवाते हैं, दबेले बबेले में भेजते हैं। तो बेटा आपके पास पूरा दिन पड़ा है, इतना टाइम है, अभी तो ओनली केमिस्ट्री चल रहा है, फिर भी आप अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, इतना स्लो स्पीड से चला, तो फिर क्या करेंगे? चलो राजवीर बोलो, क्या प्रॉब्लम आई? रिवीजन नहीं किया? अभी तो देखे आपने वीडियो लेक्चर, तो ज़्यादा करो। याग्निक, याग्निक तूने अगले लेक्चर देखे मैंने भेजे वो आगे के? त्रिवेदी बोलो, चलो जिनसे बात हो गई ना वो अनम्यूट कर दो खुद को, वो बात करना नहीं चाह रहा, बोलो नहीं तो कोई नहीं, हंसो तो खरा। याग्निक कुमार, विपुल बताओ, चलो कुछ दो बहाना अच्छा ढूंढ के। बोलो विपुल, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है सब? है अच्छा अच्छा नहीं बढ़ाया मैंने क्या? तो फिर बेटा आंसर क्यों नहीं आ रहा है सब? ऐसा है कि मैंने जो पढ़ाया उसके बाहर का पूछ रहा हूँ? तो फिर आगे से होगा ऐसा? तू तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है यार, है? चलो मानसी बोलो, बहाना दो अच्छा सा कोई, क्यों नहीं हुआ रिवीजन? क्या करते हैं हम घर पे बैठ के पूरा दिन बेटा? ये तो सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ाई के लिए। चलो रिवीजन की छोड़ो, आपने अगले वीडियो देखे मेरे? देखे थे सब सच में? अब रिवीजन कर देना। हाँ नोट्स बनाई आपने वीडियो देख के? बनाया ना? ऐसे डरना नहीं है, जो भी अभी बोलना है खाली। मैं ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ, गुस्सा गुस्सा नहीं हूँ मैं, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं कभी, ये खाली ऐसे करना पड़ता है दिखावा, ताकि आप थोड़ा पढ़े उससे, है ना? बाकी ये तो पढ़ेंगे ही नहीं सब। अब है ना बेटा, अगले वीडियो देख के थोड़ा मतलब अच्छा लगे ना जो पॉइंट, वो नोट्स में लिखते रहना है। चलो सिद्धार्थ बोलो, आ गया। अभी जो भी है अच्छे से काम करना है सब, बाकी ऐसा काम नहीं चलेगा। आंसर तो अभी देख लेते क्या आता है, लेकिन अब से आगे अच्छा करना काम, है ना? कल से सब रेडी चाहिए मेरे को। इतने अच्छे बच्चे हो फिर भी, दिमाग तो बढ़िया है सबका, रिवीजन करते रहो थोड़ा, बाकी के लोगों से बाद में बात करेंगे कल अगर अच्छा काम नहीं हुआ तो। चलो 2-methyl pentane, ये ऐसा होगा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, है ना? 2 पे मिथाइल मतलब इधर आएगा कार्बन, समझ गए? चलो अभी इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं, तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल हो गए,
तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला कायरल नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो अभी टू मिथाइल ब्यूटेन इसको देखते हैं। चलो टू मिथाइल ब्यूटेन कैसा होगा, समझ गए ना, ये तो नहीं बन रहा है ऑप्टिकली एक्टिव। चलो अभी टू मिथाइल ब्यूटेन को देखते हैं, तो ऐसा होगा उसमें मिथाइल इधर होगा, है ना। चलो अभी इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं, चलो चेक करो। इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, एच, एच और एच। इसके पास भी कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये मिथाइल और इधर नीचे मिथाइल ही बन रहा है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जब तक कायरल कार्बन नहीं आएगा तब तक वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेंगे। चलो उसके बाद तीसरा देखते हैं क्या लिखा है, थ्री मिथाइल हेक्सेन, चलो उसको चेक करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः हो गया हेक्सेन। चलो थ्री मिथाइल मतलब इधर आएगा मिथाइल। चलो ये बनेगा सी एच थ्री, ये सी एच टू, ये सी एच, ये सी एच टू, सी एच टू और सी एच थ्री, और ये बन गया सी एच थ्री। अब है ना ये वाला कार्बन, ये कायरल है। क्यों कायरल है, क्योंकि इसकी एक तरफ एच, एक तरफ प्रोपाइल, एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल, मतलब इसमें कायरल कार्बन है। तो ये कैसा बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। चलो अब डी को चेक कर लेते हैं, है ना, डी को चेक कर रहे हैं। चलो जो डी में आएगा ये, तो भाई अपने पास प्रोपेन है, यहाँ पे ओ एच टू का ऑल और यहाँ पे ये सी एच थ्री, क्या बनेगा, प्रोपेन टू ऑल। तो इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, एक कार्बन के पास तीन तो मिथाइल है, तो ये कायरल बनेगा ही नहीं। तो ये कंपाउंड भी कैसा है, प्रैक्टिकली इनएक्टिव, समझ गए। चलो अभी पूछ रहा हूँ मैं और, है ना, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलो विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो एक है मेरे पास टू थ्री डाइमिथाइल, टू थ्री डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, है ना, टू थ्री डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। एक है मेरे पास वन थ्री डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेन। चलो दूसरा है वन टू डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन। चलो और तीसरा है मेरे पास टू आयोडो टू मिथाइल ब्यूटेन, है ना, टू आयोडो टू मिथाइल ब्यूटेन। चलो और ऑप्शन ई, है ना, आपको जो लिखना हो मतलब मल्टीपल कुछ भी लिख सकते हो आप, एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है आंसर, कुछ भी हो सकता है, बताओ। चलो विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ए बी सी तीन आएंगे ऐसा। ए तो नहीं लग रहा मेरे को, ए तो कंपाउंड ही नहीं होगा ऐसा, जैसा मैंने ए में लिखा है ना,
वैसे कंपाउंड ही नहीं होता है, तो खाली ऐसे ही लिखा है। अभी उसने बोला कि साइक्लोबोटेन, साइक्लोब्यूटेन, अभी उस पर 2-3 कैसे होगा, होगा ही नहीं 2-3। थोड़ा सोचो, इधर CH3 और इधर CH3, क्या इसको 2-3 बोल सकते हैं? ये 1-2 होगा। हाँ, तो ऐसे बोलो ना कि भी नाम गलत है आप, ऐसा तो है नहीं। चलो तो 1-2 आएगा, तो फिर इसमें तो POS आ जाएगी ना, प्लान ऑफ सिमेट्री। इधर प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं आ जाएगा बीच में, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना, तो ये कहाँ से आएगा? ऐसा थोड़े है कि कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। चलो कायरल कार्बन है मान लिया हमने, लो मान लिया हमने, है ना, कि इसमें कायरल कार्बन है, लेकिन साथ में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकल एक्टिव कहाँ से है? नहीं होगा। तो ये तो गया, अभी सोचो आगे। तो इनएक्टिव ही है ना बेटा, उसमें कायरल कार्बन है लेकिन प्लान ऑफ सिमेट्री है, उसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सी या बी में से, मतलब ऐसे नीट में आंसर देंगे सी या बी में से। चलो अभी बी चेक करो, बी क्या है, है ना, पेंटेन है। इधर 1 पे मिथाइल और दूसरा मिथाइल कहाँ पे, 3 पे। चलो पहले ये चेक करो कि इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं। CH3 इधर लिख रहा हूँ मैं, 3 अभी लिख नहीं सकते उधर। चलो ये कार्बन, इससे 1 पे हाइड्रोजन है ना, और 2 पे मिथाइल और हाइड्रोजन। चलो इधर गए 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे भी हाइड्रोजन। हाँ तो चलो कायरल कार्बन तो है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। चलो अभी इसमें प्लान ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, प्लान ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इसमें, चलो बताओ। नहीं है, चलो काटो इधर से, इधर से काटो। चलो प्लान ऑफ सिमेट्री है कि नहीं बताओ, यस और नो, इसमें प्लान ऑफ सिमेट्री है कि नहीं बताओ। ये कंपाउंड ऐसा है और मैंने इसको यहाँ से काटा, चलो प्लान ऑफ सिमेट्री हो रही है कि नहीं हो रही? मानसी, प्लान ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? चलो इतना बता दो। देखो नहीं है, क्यों नहीं है? देखो ये तो हो रहे, मतलब इतना पोर्शन और इतना पोर्शन मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर है ना टीक है, इसका मतलब पिक बन रहा है, वो समझ गए? और इस तरफ कुछ पिक जैसा है ही नहीं, तो वो एक दूसरे पे ऐसे फ्लिप नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे ये प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। चलो अभी सी का बोलो, चलो बी तो आ गया, चलो सी का बताओ। बी तो है ऑप्टिकली, चलो अब सी का बता दो। मैं यहाँ पे जगह कर रहा हूँ अब थोड़ी, है ना, बी तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी ये ड्रॉ कर। चलो सी चेक करते हैं, 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मतलब ऐसा होगा, इधर होगा एक CH3 और एक इधर होगा CH3। चलो इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं वो बताओ। चलो
डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ऐसा होता है, इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं, यस और नो? मानसी, चलो इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं? अरे नहीं है, इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। देखो ये कार्बन, इससे यहाँ गए, क्या मिला? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वन पोजीशन पे, इससे टू पोजीशन पे गए, क्या मिला? हाइड्रोजन और मिथाइल, समझे ना? है, सॉरी सॉरी, छः छः कायरल तो है। चलो अभी ये वाला कार्बन, इससे नहीं, इससे हाँ, इससे इस तरफ गए और इस तरफ जाते और इससे इस तरफ, कायरल है ही नहीं, कार्बन ही, दोनों तरफ सेम ही मिल रहे हैं, नहीं है कायरल। मेरी गलती हुई ड्रॉ करने में, बाकी कायरल ही नहीं है। फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। ये देखो आप, इधर क्या है? CH3, और इधर क्या है? CH3। अभी इसको कायरल कार्बन समझो, अब इधर गए तो क्या आ रहा है? HH। इससे इधर गए, क्या आ रहा है? HH। इससे इस तरफ गए, H और CH3, और इससे इस तरफ गए तो H और CH3, तो दोनों के पास सेम ग्रुप ही आ रहा है, तो ये थोड़ी कायरल होंगे, ये कायरल है ही नहीं। और चलो गलती से आपने कायरल कर भी दिया, पहले तो कायरल है नहीं वो बोल रहा हूँ मैं, और गलती से कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तो सीस है, देखो ऐसा सीस और ट्रांस पूछना नहीं होता है आपको, देख के बताना होता है। मैंने ड्रॉ ऐसा किया ना, मतलब सीस है, मैंने ऊपर नीचे ड्रॉ किया होता तो ट्रांस होता, समझ गए? और मैंने लिखा नहीं तो आपको सीस समझ लेना है। चलो वो दिखा रहा हूँ, सीस और ट्रांस है ना, वो ड्रॉ करने की स्टाइल पे डिपेंड करेगा। हाँ वो है कि भाई सीस और ट्रांस होता तो थोड़ा चेंज होता, इसका अगर ट्रांस होता तो चेंजेस आते कि भाई ऐसे CH3 होता पर इधर H होता, फिर नीचे CH3 होता और ऊपर H होता, तो ये ट्रांस बनता। और अगर ये टाइप का होता कि भाई ऊपर CH3 इधर H, ऊपर CH3 इधर H, तो ध्यान रखना अब ये कार्बन कायरल नहीं है, और यहाँ के कार्बन कायरल है क्योंकि इसमें डायमेंशन अलग है दोनों की। यहाँ पे POS नहीं मिलेगी और यहाँ पे POS मिलेगी, तो इसमें कन्फ्यूजन वाला केस है थोड़ा, सी वाला। चलो मैंने सीस लिख दिया है, अब बताओ ऑप्टिकल एक्टिव रखना है कि नहीं रखना है? ये ट्रांस है ऊपर नीचे वाला और ये सीस है, नहीं रखना ना? ओके, ट्रांस होता तो रखते, और आपको बताया ना हो ना कि सीस है कि ट्रांस, तो आप सीस समझ के काम करना, ट्रांस मत समझना। और ये डी वाला, ये तो है ही नहीं, डी वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, समझे? डी वाला ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा है ना, टू मिथाइल, मतलब स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, तो 1 2 3 इधर आएगा CH3 और इधर आएगा आयोडीन, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, मतलब कायरल कार्बन है। तो आपको आंसर में बी लिखना था, चलो आपने सी लिख दिया तो भी मैं सही दे रहा हूँ, आपने शायद ट्रांस सोच लिया हो। बी सी वाले भी सही है और सी लिखा वो भी सही है, चलो, क्योंकि जब ऑप्शन में मेंशन नहीं किया होगा ना तब हम ऐसे ही सोचेंगे CH3 CH3, समझ गए? और सी ट्रांस मेंशन करे तब की बात अलग है, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे है ना। ओके, फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देंगे ऐसे, है ना, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैव मैक्सिमम कायरल सेंटर, है ना, कौन से कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा कायरल सेंटर है?
चलो ऑप्शन ए बी सी और डी। किस कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा कायरल सेंटर है ना, वो आप निकाल के दो। चलो इधर CH3, इधर भी आ। इधर OH और इधर CH3। चलो ऑप्शन सी। इधर इथाइल और इधर भी इथाइल। चलो ऑप्शन डी। इधर रिंग, इधर 5 कार्बन की रिंग, इधर वापस 6 कार्बन की रिंग। चलो इधर भी आ यहाँ पे भी आ, मतलब इधर भी आ, समझ गए। चलो और इधर अपने पास है, एक और भी है इधर ऐसी टाइप। चलो कौन से कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा कायरल कार्बन है, विच कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम कायरल सेंटर, बताओ। चलो ABCD। डी आएगा आंसर, इतना सोचना क्या है उसमें। ये भी कायरल है क्योंकि इधर आ रहा है H और ये अलग ग्रुप, और इधर 2 H आ रहे हैं तो ये कायरल हो गया। चलो अभी है, तो इधर आ रहा है H और ये वाला ग्रुप, इधर 2 H आ रहे हैं तो ये भी कायरल हो गया। चलो इधर 2 H आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं ये और ये कार्बन वाला ग्रुप, लेकिन इसमें फ़र्क है, यहाँ पे वो नोच पे आ रहा है और यहाँ पे आगे जाएंगे ना तो एच और कार्बन वाला ग्रुप ही आएगा, तो ये भी किराल है और ये भी किराल है। क्योंकि यहाँ पे क्या, आगे जाने से नोच पे एच एच आ रहा है और यहाँ पे आगे जाने से नोच पे एच और ग्रुप आ रहा है, तो आ गए ना कितने किराल कार्बन है, 3। बाकी इसमें 2 है ना, ऐसे जाएंगे और एक इधर जाएंगे। चलो ये एच और वो आ रहा है रिंग वाला, इधर 2 H H आ रहे हैं, मतलब ये भी किराल हो गया ना। बाकी सब में 2 2 ही है, एक ही था जिसमें 3 थे। इसमें इधर आ रहा है, इधर जाने से एच एच आ रहा है, इधर भी एच एच आ रहा है, आगे एच एच आ रहा है और इसमें एच और कार्बन आ रहा है, तो ये भी कायरल, तो डी आएगा। मैं क्या सोचना था इसमें, चलो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ भी है ना, फिर पूछ दे कि भाई दो कंपाउंड है वो एक दूसरे के क्या है ना, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा पूछ देंगे। चलो तो ये बी आर है, ये ओ एच है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी करवाए। ये CH3 है और ये ऐसे करके दे दिया NH2 है, ये ए कंपाउंड है और मान लो ये बी कंपाउंड इस टाइप का है, इधर CH3 है, इधर NH2 है ना, और ये BR है, और इधर कौन सा बाकी रहा, सब आ गया ना, BR आ गया, हाँ OH है।
चलो ये बी कंपाउंड है, इनके बीच क्या रिलेशन है? इनेंशियोमर वाला रिलेशन है, डायस्टोजोमर वाला, आइडेंटिकल वाला कि कोई रिलेशन ही नहीं है? चलो ए बी सी डी है ना, ऑप्शन दे दी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये तो करवाए हुए हैं, मैंने अभी करवाए एक दो दिन पहले, तो ध्यान रखना अभी ऐसे कंपाउंड में। हाँ बी आ रहा है, डायस्टेरियोमर वाला। वाह वाह, मैंने ऐसा बोला था कि एक कायरल कार्बन में कभी भी डायस्टेरियोमर नहीं बनेगा, तो थोड़ा ऐसा अगर भी सोच के भी आंसर दिया होता तो कम से कम डायस्टेरियोमर तो आता ही नहीं। एक कायरल कार्बन में डायस्टेरियोमर बनता ही नहीं है कभी, इनेंशियोमर आ रहा है। ओ चलो आइडेंटिकल आ रहा है, ओ चलो देखते हैं, ये बनेगा ओ एच, ऊपर भी आर, इस तरफ आएगा सी एच थ्री और इधर आएगा एन एच टू, समझ गए ना? चलो और इसमें देखे तो ऊपर आएगा सी एच थ्री, नीचे आएगा एन एच टू, इस तरफ ओ एच और वी आर इधर आएगा, ये उल्टा एल है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। चलो ये वन, ये टू और ये थ्री, चलो वन से टू, टू से थ्री, क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है? एंटी क्लॉक वाइज है, मतलब एस बन रहा है, लेकिन आर लेंगे क्यों, वो सी एस थ्री आड़ा है ना, इसीलिए। चलो अभी इसमें देखो, ये वन, ये टू, ये थ्री, चलो ये वन से टू और टू से थ्री है ना, एस बन रहा है कि आर बन रहा है? ये नौ, ये बारह, नौ से बारह चलती है घड़ी, नौ से बारह चलती क्या, हाँ चलती है, तो यार और फोन नंबर वर्टिकल पे, तो ये भी यार, ये भी यार, क्या हुआ? आइडेंटिकल, क्या आएगा आंसर? सी आए। बस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इजी इजी, और तो क्या है, समझे कि नहीं? कोई वैसा वे ए वाड़ू के बी वाड़ू। जयेश कौन सा ऐसा आ रहा है, ए वाला कि बी वाला? ये घड़ी है ना, नौ से बारह तो चलेगी, बारह से नौ नहीं चलती, बाकी नौ से बारह तो चलती है। ओके और फोर नंबर सीधा ही है उसमें, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? चलो बाकी तो है ना, अब दो टॉपिक मेरे को याद करवाना, एक टॉपिक होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, कल हम ये चलाने वाले हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब कैसे पता करें कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है वो, और एक देखेंगे विदाउट कायरल कार्बन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये देखने वाले, तो कल इन दो चीज़ों पे बात करेंगे, समझ गए? लेकिन इससे पहले आप है ना, क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम और आइसोमेरिज्म, इसमें मैंने जितना करवाया है वो सब टका टक चाहिए मेरे को, एक नंबर होना चाहिए सब, समझ गए? तीन टॉपिक, क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सब डेक्स्ट्रोलिवो, डीएल, आरएस, ईडीआई, इरिथ्रोस, थ्रियोस है ना, डीएल, फिर डीएल, स्मॉल डीएल, कैपिटल डीएल अलग है, आरएस, इनेंशियमर, डायस्ट्रोमर, आइडेंटिकल, इरिथ्रोस, थ्रियोस,
ये सब टकाटक चाहिए। बाकी एपीमर, मैनोमर और एनोमर्स वो देख लेंगे बाद में। और किसी को अब देखना हो तो वीडियो पड़े है फेसबुक पे, ढूंढ के देख लेना। बाकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपके क्रैश कोर्स में करेंगे, मतलब आप जब 12th ख़त्म करके क्रैश कोर्स में आओगे तब, समझे। और कल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, वो कैसे पता करें। मतलब ऐसा कंपाउंड दे दिया मैंने आपको कि भाई ये कोई कंपाउंड है ना, इधर OH, इधर H, ACH3, ये BR, OH, इधर CH3 और इधर COOH, और पूछ दे भाई इसके कितने बनेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, तो 9, 6, 12, 7 ऐसा कुछ भी दे दिया, तो क्या आएगा आंसर वो कल देखेंगे हम, समझ गए। और दूसरे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है फिर भी वो लोग ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब इस टाइप के। आइए बोलो, गुड इवनिंग करवा, चल COOH, यहाँ पे BR और यहाँ पे BR, इसमें है ना कहीं पे भी कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, वो पढ़ने का है कल। चलो अब ख़त्म लेक्चर, बाय बाय टाटा। अब कल से रोज़ 10 बजे होगा लेक्चर, कल भी बोला था आज फिर से बोल रहा हूँ। अब अपना लेक्चर 10 से 11:25 ऐसा होगा कुछ भी, मतलब 10 बजे स्टार्ट होगा, ख़त्म कब करना है वो मेरी मर्ज़ी। चलो बाय टाटा, सी यू। और थोड़ा सीरियस लेना मेरी बातों को आज, जो भी बोला जितना बोला आपके अच्छे के लिए बोला है, बाकी ऐसा काम रहेगा ना तो सच में मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में फिर।